We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूँ अभी गिरजाघर पे, यानी कि चर्च जो है, और ये है अभी सिंचाई बाग चौराहे से लगभग 10 कदम की दूरी पे है ये चर्च, और मैं वहीं हूँ। अब यहाँ पे दो चर्चेस हैं, एक पुराना है और एक नया वाला। ये नया वाला पे मैं अभी खड़ा हूँ, और आज हम दोनों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये वाला तो खुला है और सेकंड वाला काफ़ी बंद रहता है, देखते हैं अगर खुला होता तो उसको भी एक्सप्लोर करें। मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग बाहर का देखेंगे, फिर उसके बाद अंदर से देखेंगे चर्च को, और उसके बाद हम जानेंगे सारी डिटेल्स क्रिश्चियनिटी और जीसस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। ये है चर्च का मेन एंट्रेंस, और इन दीवारों पे कुछ उपदेश लिखे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के। मैं हूँ अभी अंदर की तरफ, और ये इसका मेन एंट्रेंस, वहाँ से भी एक एंट्रेंस है। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, और यहाँ की तरफ ये जो है ये फादर की रहने की जगह है, ठीक है, उनका रेजिडेंस है। इसे एंटर करने पे सबसे पहले पड़ता है ये चर्च का मेन वाला गेट, और यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कब बना था ये एस्टेब्लिशमेंट, और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, और उधर रेजिडेंस है फादर का, और उधर से आगे भी रेजिडेंस ही है। सबको पता है कि क्रिसमस डे था भाई, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बना हुआ है झांकी उनका, ठीक है, कैसे बर्थ हुआ था उनका, और फिर सारी उनकी लाइफ इवेंट्स, ठीक, ये कुछ है। इसके साइड में है जीसस का, जब छोटे थे उनका ये है मंदिर, ठीक है, और यहाँ पे इनके उपदेश लिखे हुए हैं, ठीक, ये मेन उपदेश हैं इनके। हे प्रभु यीशु, तूने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अभी चर्च के राइट साइड में हूँ, और यहाँ पे आप वॉल पे देखेंगे कुछ पेंटिंग्स हुई हैं, ठीक है, जीसस के बारे में। और अभी भाई कोविड था, तो इसकी वजह से किसी को भी एंटर करने के लिए अलाउ नहीं था क्रिसमस पे, ठीक है, तो सब लोग बाहर से ही कैंडल वैंडल जला दिए थे गेट पे, ठीक है, और इधर भी सारा लाइन से रहा करता था, बट कोविड की वजह से आपको पता ही सिचुएशंस क्या क्या हैं। यहाँ सामने की तरफ पीछे ये माता मरियम है, ठीक है, और यहाँ पे भी कैंडल वैंडल जलाई गई है, ठीक, इधर कुछ उपदेश लिखे हुए हैं, इधर भी कुछ लिखे हुए हैं। ये तो था कुछ बाहर का नज़ारा, अभी अंदर की तरफ चलते हैं, और आपको मैं अंदर का दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा क्रिश्चियनिटी के बारे में। चर्च को कुछ लोग चर्च कहते हैं, कुछ लोग गिरजाघर कहते हैं, बट इसका ऑफिशियल नाम मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो ऑफिशियल नाम है भाई आवर लेडी ऑफ लूदर्स चर्च, ठीक है, और इसका फाउंडेशन जो है 8 दिसंबर 2004 को रखा गया था, और ये बन के तैयार हो गया था भाई 8 दिसंबर 2005 को, ठीक है, ठीक है, एक साल बाद ये बन के तैयार हो गया था। इस चर्च के जो फादर हैं, जो पादरी हैं, उनका नाम है फादर दिलराज, और उनके असिस्टेंट हैं फादर ब्रायन, ठीक है, दोनों काफ़ी हम्बल हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और उन्होंने, मैं मिला उनसे, और दोनों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, खास करके फादर ब्रायन से, इज़ सो हम्बल। वॉल पे भी कुछ पोर्ट्रेट किया गया है उनका स्टोरी। चर्च का जो मेन गेट है वो अभी क्लोज्ड है क्योंकि कोरोना है, इसकी वजह से मैं साइड वाले गेट से जाने की कोशिश करूँगा। लो भाई अंदर की तरफ आ गए हैं, और ये है पूरा कैंपस अंदर का, ठीक। यहाँ पे बेंचेस लगे होते हैं यहाँ से वहाँ तक, अभी नहीं है क्योंकि अभी क्रिसमस था, इस वजह से सारे बेंचेस हटाए गए थे, जैसे आपने मूवी में देखा होगा कभी, ठीक है, वैसे ही बेंचेस यहाँ पे भी रहते हैं। यहाँ पे जीसस का बर्थ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा पोर्ट्रे है, काफ़ी खूबसूरत वे में सजाया गया है इसको, ठीक है, और ये ऊपर का कुछ माता मरियम जीसस, ठीक, और ये है पूरा कैंपस, वो मेन एंट्रेंस जो अभी फ़िलहाल बंद है, बाकी इधर से कई सारे एंट्रेंस हैं, मैं यहाँ से आया हूँ। ऊपर का भी काफ़ी खूबसूरत है, पीछे वो बोर्ड्स पे काफ़ी पोर्ट्रेट किया गया है सारा उनका लाइफ
जितना भी था जीसस का अलग अलग कार्डबोर्ड पे। ओह फर्स्ट टाइम मेरे साथ बाइबल, होली बाइबल मेरे साथ, ठीक। पहली बार मैंने बाइबल को देखा है और टच किया, होली बाइबल। पढ़ने का मौका जब मिलेगा तो ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है। पीछे कुछ बेंचेस लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे तो आप यहाँ पे प्रेयर कर सकते हो आके, ठीक है। सुबह शाम में तो होती ही है प्रेयर। ये यहाँ का डोर है, दरवाज़ा, इस पर भी कुछ बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे। भाई हिंदुस्तान में अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, लेकिन भाई भगवान तो एक ही हैं, ठीक है। लोग उनको अलग अलग रूप में पूजते हैं, तो किसी को भी मानते हैं आप, कोई भी धर्म से हो, ठीक है। मैं एक बार कहूँगा कि यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे एक बार प्रेयर करके देखिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपको, एक अलग ही पीस आपको मिलेगी, ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके, ठीक है। आइए जरूर यहाँ पे एक बार। बचपन में मैं शायद क्लास UKG या फिर 1 में था, तो मुझे एक नहीं होता है मतलब क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड लोग थे, वो आए और पूरे स्कूल में एक एक बुक हर एक बच्चे को बांट के गए थे, और उसमें जीसस की लाइफ के बारे में पूरा इवेंट्स था बचपन से लेके पूरा एंड तक, ठीक है। तो वो बुक मैं हमेशा संभाल के रखता था, ठीक है, अभी भी शायद मेरे पास कहीं होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। और जब भी मुझे पढ़ने के लिए कहा जाता था, मैं अपना सिलेबस छोड़ के और उसी बुक को पढ़ता था, पता नहीं क्यों। और उसमें सारे मतलब इतना पिक्चर्स वगैरह से रिप्रेजेंट किया गया था उसको, कि कैसे कैसे उनका लाइफ इवेंट क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा था, वो वाली बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इधर कुछ पार्क एरिया है इधर साइड, ठीक है। अभी इधर रास्ते पे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा क्रिश्चियनिटी के बारे में, अब कुछ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। सबसे पहले कि क्रिश्चियनिटी कब स्टार्ट हुआ था, तो भाई 1st century में क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ था। जीसस यानी कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ था 6 BC से 4 BC के बीच में हुआ था, ठीक है। 4 BC मेनली माना जाता है, 25 दिसंबर को माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था। बैतलहम एक सिटी है पैलेस्टीन कंट्री में, ठीक है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उस चर्च का नाम है भाई, अब वहाँ पर चर्च बन चुका है, उसका नाम है चर्च ऑफ नेटिविटी, जो कि बैतलहम में है, ठीक है, पैलेस्टीन। जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है, मतलब उनके बर्थ से जो पहले का जो टाइम था उसको BC कहा जाता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है। उसके बाद वाले को कहते हैं एनो डोमिनी कहते हैं उसको। जीसस बपतिस्मा दिया करते थे, ठीक है, मतलब सबको अच्छी बातें बताना, अच्छे रास्ते पे लेके आना, ठीक है, और उनको उपदेश देना, ठीक है। तो ये भाई बात सब लोग उनको भगवान मानने लगे थे, ठीक है। तो ये बात जो है रोमन एम्पायर को अच्छी नहीं लगी, ठीक भाई, सबको किंग उस टाइम किंग को लोग भगवान मानते थे, ठीक है। फिर जीसस को सब लोग भगवान मानने लगे, तो भाई किंग को ख़राब लगा, ठीक, उन्होंने उनको हैंग करवा दिया, ठीक भाई। क्रूसीफिक्शन कहते हैं, यानी कि सूली पे चढ़ाना, तो जीसस को सूली पे चढ़ा दिया। डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 30 से 33 AD के बीच में जीसस को हैंग कर दिया गया था 7 अप्रैल को। उसी दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है, गुड फ्राइडे इसीलिए मनाया जाता है ताकि उनके डेथ को रिमेम्बर किया जा सके, ठीक। वो जो क्रॉस आप हर जगह देखते हो ना क्रिश्चियनिटी में, वो यही याद दिलाता है कि जीसस को हैंग किया गया था, ठीक है, और उन्होंने कितना बढ़िया काम किया था, और लोगों को मतलब प्यार फैलाना उन लोगों के बीच में, ठीक है, उनको उपदेश देके उनको सही रास्ते पे लेके आना, ठीक है। तो ये सब डिफाइन करता है, ये क्रॉस उसी के लिए डिफाइन करता है हमेशा। सामने की तरफ ये जो क्रॉस देख रहे हो, मैं इसी क्रॉस की बात कर रहा हूँ। जीसस को जेरूसलेम सिटी में हैंग किया गया था। जेरूसलेम है इस टाइम इसराइल में आता है, ठीक है, 9 किलोमीटर दूर है पैलेस्टीन और इसराइल, ठीक है, दोनों बहुत कम डिस्टेंस पे हैं दोनों, ठीक है, और ये बैतलहम और जेरूसलेम लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे दोनों शहर हैं। अंदर का कैंपस है, पार्क टाइप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर रेजिडेंस है, सिस्टर्स रेजिडेंस, और इधर फादर रेजिडेंस है, ठीक है। अंदर जाना अलाउ नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। भाई क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ बातें, जो कि आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कब चर्च इस चर्च पे आना चाहिए, तो भाई ऑफकोर्स 25 दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम, ठीक है, आपको उस दिन बहुत आना चाहिए। बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ पे और बहुत सारे लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं पुराने वाले चर्च पे, अगर वो खुला होगा तो अंदर से ज़रूर दिखाऊंगा, अगर नहीं होगा तो बाहर से ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अभी वहाँ पे, ठीक है। कुछ झांकी वाकी बनी थी, ठीक है,
बकरियां इसको खराब करती हैं। एज एक्सपेक्टेड चर्च तो बंद है और खुलता है सिर्फ संडे को 9 बजे सुबह में, ठीक है। और अभी मैं आया तो ये बंद है, लेकिन इसको सजाया गया है। क्रिसमस यहाँ पे भी सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। और देखने में काफ़ी ये, इसकी वजह से मुझे लगा कि ये ब्रिटिश टाइम का ही है। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश टाइम का ही है। 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, ठीक है, 1862 में। भाई क्रिश्चियनिटी में 6-7 तरीके के चर्च होते हैं, तो वो नया वाला जो था वो कैथोलिक था, रोमन कैथोलिक चर्च, और ये है CNI, ठीक है, CNI वाला चर्च है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल ही गया कि मतलब गुड फ्राइडे के दिन मतलब उनको हैंग किया गया था 7 अप्रैल को, और उसके एक दिन बाद यानी कि संडे को, ठीक है, फ्राइडे को हैंग किया गया, संडे को वो फिर से मतलब जन्म ले लेते हैं ईसा मसीह, और उसी दिन एस्टर मनाया जाता है। नया वाला जो चर्च है वो भी ब्रिटिश टाइम का ही है, लेकिन उसको तोड़ के नया बनवा दिया गया था क्योंकि वो काफ़ी जर्जर हो गया, लेकिन इसको छोड़ दिया गया वैसे ही, ठीक है, पुराना ही है वही 1862 का, ठीक है, इसको तोड़ा नहीं गया, ऊपर से इसका कुछ चेंज करके बस इसको रहने दिया गया है वैसे ही। व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन, अभी मैं अपनी गाड़ी में चाबी लगा ही रहा था तब तक कुछ लोग यहाँ पे आए और इस चर्च को खोल दिए, ठीक है, तो फिर मैं अंदर का व्यूज ले पाया, ठीक है, अभी आप लोग देखोगे वो वाला व्यूज। यही है कुछ अंदर का सीन पुराने वाले चर्च का। यही थे दो चर्च गाजीपुर सिटी के, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए प्लेस के साथ गाजीपुर के, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर वर्क चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। थैंक यू सो मच।